देखिए चारों ओर से उसको पहले मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद उसके 280 केजी जो है मटन यहाँ पे बनता है। रिव्यू और ये बहुत सही लगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जो है आज आप लोगों को एक नए लोकेशन पे लेकर आए हैं और लोकेशन जो है ये फेमस है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं और खाते हैं और बनता भी है यहाँ पे। मैं बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ददन हांडी मटन है यहाँ पे। टैगलाइन लिखा हुआ है शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता है। आप समझ सकते हैं धांसू है, मतलब जिस तरह से मटन स्ट्रांग होता है ना उसी तरह से टैगलाइन भी बहुत मजबूत है। लोकेशन जो है जब सगुना मोड़, पटना का जो सगुना मोड़ से आप पटना दानापुर रेलवे स्टेशन जाएंगे ना, दानापुर रेलवे स्टेशन उसी रूट में आपको लेफ्ट साइड में ही मिल जाएगा। का पूरा बांस से बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और चल करके आपको मेकिंग दिखाते हैं और लोगों का फीडबैक भी देने की कोशिश करें। जो है ना प्याज की छिलाई की जा रही है, दो दो लोग लगे हुए हैं प्याज को छिलने में, क्वांटिटी काफ़ी हैवी होता है ना। यहाँ भी देखिए प्याज जो है दो लोग काट रहे हैं, कि यहाँ पे काट रहे हैं और दूसरा जो है यहाँ पे काट। लहसुन को जो है ना वजन करके दिया जाता है। जो है टब में मटन लाया गया है और ये मटन जो है कितना मटन है? 70 केजी है सर। 70 केजी है, पहला टर्निंग है। अच्छा ये फर्स्ट लॉट है ना, फर्स्ट लॉट है। ऐसा ऐसा लॉट कितने लॉट लगता है? चार बार बनेगा ऐसा ऐसा लॉट। ये ऐसा ऐसा जो है 3 से 4 बार। और शाम कितने बजे तक रहता है ये आप बनाते हैं? ये होटल का टाइमिंग है 10 बजे। हाँ हाँ, सुबह तो खुल जाता है 7 बजे। हाँ हाँ, मगर 7 बजे माल नहीं मिलेगा आपको, 10 बजे के बाद ही। मतलब खाना स्टार्ट जो हो जाता है, लोग खाना 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको मिलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कितना हैवी क्वांटिटी में बनता है। लगभग जो है 70 केजी है, 70 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो लगभग 280 केजी जो है मटन यहाँ पे बनता है डेली बेसिस पे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ क्वांटिटी और लोगों का जो है ना ताता लगा रहता है मटन खाने में। यहाँ पे लहसुन को कूट रहा है, को भी यहाँ अच्छे से तौल लिया जा रहा है। कितना प्याज है भैया? 30 किलो। देखिए छिलका लगाया जा रहा है तेल के ऊपर जो है। देखिए यहाँ पे 3 कड़ाहा लगाया गया और तीनों में लहसुन मिक्स किया जा रहा है, नमक इसमें डाला जा रहा है, गरम मसाला का पाउडर दिया जा रहा है, गरम मसाला का पाउडर इसमें मिक्स किया जा रहा है, हल्दी मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे, हल्दी पाउडर है ना, आपको मीठा मिलेगा। देखिए यहाँ पे अभी जो है मिर्च को डाला जा रहा है चारों ओर से जो है। देखिए यहाँ पे काली मिर्च और जीरा को ऊपर से डाला जा रहा है कलर के लिए, जो है कश्मीरी मिर्च का पाउडर को मिलाया जा रहा है ताकि जो है मटन में लाल कलर जो है ना वो अच्छे से उभर के आए। ये देखिए मीट मसाला भी ऊपर से डाला जा रहा है इसमें। देखिए यहाँ जो है, देखिए 3 अलग अलग कढ़ाई में डाला गया है और ये जो है लगभग 70 केजी मीट का पूरा मसाला तैयार किया गया है। देखिए इसमें जो है सारा मसाला को मिक्स किया जा रहा है, आप देख सकते हैं सारे मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स किया जा रहा है। देखिए यहाँ मसाला को अच्छे तरीके से मिक्स किया जा रहा है। भैया ये ऐसे क्यों मिला रहे हैं आप? देखिए ये मिलाते हैं इसको प्याज का रूप में रंग में एकदम नमक और मसाला खूब जाता है। अच्छा, मतलब मसाला जो है पूरे तरीके से मिल जाए इसके लिए ऐसा आप कर रहे हैं ना। देखिए जो मसाला मिक्स हुआ था उसमें मटन को ऊपर से डाला जा रहा है, आप यहाँ से मटन निकाला जा रहा है और जो मसाला मिक्स किए थे उसमें डाला जा रहा है। देखिए अब जो मटेरियल इसमें रेडी किया गया था प्याज वगैरह को और उसके साथ जो है मटन को अच्छे तरीके से मिक्स किया है और ये देखिए तीनों अलग अलग कढ़ाई में डाला गया है और आप देख सकते हैं तीनों को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। क्या क्या डाले हैं संतोष जी इसमें? चरपताई है, मिर्चा है, जीरा है, गोलकी है, इलायची है, छोटी इलायची है, गरम मसाला है, दालचीनी, सारे के सारे आइटम को इसमें डाल दिया है इस सेम क्वांटिटी से। और उसको वहाँ तेल को अच्छे से गर्म कर लिया गया था और सारे हांडी में एक एक करके जो है तेल डाला जाएगा। अब देख सकते हैं वहाँ पे तेल डाला जा रहा है, साथ ही साथ जो है देखिए आप अंकल जो है गोल मिर्च भी इसमें डाले जा रहे हैं, मतलब टेस्ट को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। दिखाइए अंकल क्या है उसमें, दिखाए हाथ में, ये देखिए गोल मिर्च डाला जा रहा है ना मटन को। इसमें जो पूरा मटेरियल तैयार किया गया था तेल के साथ और उसमें मटन को पूरा डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं सारे के सारे हांडी में जो है पूरा मटन डाला गया है।
संतोष जी, एक हांडी में कितना मटन होता है? देखिए हम लोग एक हांडी में 1.5 kg / 2 kg माल डालते हैं। अच्छी और तैयार हो करके आपको ऑलरेडी 2 kg माल हो जाए, मतलब 1.5 kg के आसपास जो है पूरा मटेरियल डाला जाता है उसको, और सब पूरा तैयार हो करके जो है वो 2 kg बन जाता है, है ना। आग जो है पूरी तरह से लहलहा गया है और इसी आग में जो है हांडी को रखा जाएगा। तीसरा कढ़ा भी लगाया गया और इस तीसरे कढ़ाई को पूरा अच्छी तरीके से भी इसमें डाल दिया गया है। टोटल 36 हांडी इसमें बना है और 70 kg जो है मीट के साथ पूरा मटेरियल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो है ना अच्छे तरीके से समतल कर दिया गया है कि ताकि जो ताव जो है हीट जो है उसको प्रॉपर लग पाए। हांडी को देखिए इस गर्म आग के ऊपर जो है डाला जाएगा। देखिए सारे हांडी को इस पर रख दिया गया है और इसके ऊपर जो है ढक्कन से ढक दिया गया है। उबलना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से उबलना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से सारा के सारा जो है ना आइटम उबलना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं सारे में उबाल आ गया है। चारों ओर से उसको पहले मिलाया जा रहा है, मिलाने के बाद उसके ऊपर जो है दबाव डाल करके उसको ग्रेवी जो है उसको ऊपर लाया जा रहा है और पानी जो है ना ऊपर आ जाए ताकि अच्छे से पके, उसके बाद उसको ढका जा रहा है। मटन जो है देखिए कलर चेंज हो चुका है। संतोष जी ये रेडी हो गया? हाँ सर रेडी हो गया। कैसे पता चलता है कि ये तैयार हो गया मटन? देखिए हमारा कलर से पता चलता है, ठीक ना। हमारा ये कलर डिस्काउंट हो गया है। मतलब आप कलर से पकड़ लेते हैं कि जो है तैयार हो गया है ना, कलर से खुशबू लगता है। चलिए जी, चलिए ये मटन हो गया तैयार। मटन हो गया तैयार, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अब इसे निकाला जाएगा और लोगों के लिए परोसा जाएगा। ये जब आएंगे तो आपको जो है ना तौल करके दिया जाएगा कि कितना आपके पास जा रहा है। देखिए तौला जा रहा है, मटन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद जा रहा है लोगों के लिए सर्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए वजन के हिसाब से आपको मटन मिलेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त उभर करके आया है, देखिए ग्रेवी कितना तगड़ा है आप ये समझ सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा हांडी का हांडी, ये इस तरह से आप देखिए इसको। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, क्या नाम है भैया? अजय वर्मा। अजय जी हैं, तो कैसा लग रहा है टेस्ट का और कब से खा रहे हैं? टेस्ट बहुत लाजवाब है सर, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। और कब से यहाँ पे? करीब करीब हम 4 साल से आते हैं। 4 साल से खाने वाले हैं ये? हम जब भी पटना आते हैं, हम आरा के रहने वाले हैं, हम जब भी पटना आते हैं यहाँ पे हम खा के। हांडी का जो मटन है उसका फीडबैक जो है बहुत स्ट्रांग मिल रहा है। अजय जी भी बता रहे हैं और लोगों से भी फीडबैक लेंगे। थैंक यू भैया। देखिए दूसरा भाई है, क्या नाम है भैया? अभिजीत। अभिजीत हैं, और कब से खा रहे हैं यहाँ पे? ये मैं आज पहली बार आया यहाँ पे। अच्छा, कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब पे देखा था इनका। ओके। मैं रहता हूँ कोलकाता में। ओके जी। तो मैं यहाँ पास में आया था, तो फिर मैंने यहाँ इसको खोजा। खोजने के बाद फिर वहाँ से बहुत दूर चलने के बाद फिर मैंने जस्ट खोज के मैं लास्ट में यहाँ पे आया। ग्रेट, कैसा स्वाद है? पूरा घर वाला स्वाद, घर वाला स्वाद, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, और ये बहुत सही लगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। पूरा मेकिंग मैंने दिखाया है ददन मटन हांडी का और ये है मास्टर शेफ, यही जो है बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। संतोष भाई जो है बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, मौका मिलेगा तो कभी भी आप इनको बुलाइए और मटन इनसे बनवाइए घर में। आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।